राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि रेप और महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में राजस्थान देश में नंबर वन है। वैसे राजस्थान पुलिस के मुखिया उमेश मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में दर्ज रेप के 41% और महिला अत्याचार के 47% केस छूटे पाए गए। अभी से राजस्थान में से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 12 साल की बच्ची को बंधक बनाकर 5 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है। पीड़िता राजस्थान के राजसमंद की है। वो 4 जनवरी को लापता हो गई थी। बच्ची को 10 जनवरी 2023 को उदयपुर बस स्टैंड से लावारिस हालत में पाया गया था। उसके बाद जो मामला सामने आया उसने राजस्थान में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पीड़िता ने बताया कि 4 जनवरी को अपने एक परिचित से मिलने घर से निकली थी। रास्ते में ऑटो वाला मिला जो उसे झांसा देकर धर्मशाला ले गया। यहाँ उसे 2 दिन रखकर ऑटो वाले ने खुद और अपने अन्य साथियों के साथ रेप करवाया। 2 दिनों बाद पीड़िता धर्मशाला से निकली तो उसे कुछ अन्य लोग मिले। वे लड़की को अपने साथ मावली नाम की जगह ले गए। यहाँ भी लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। मावली में लड़की को 1 दिन रखा गया। यहाँ से उसे उदयपुर ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की के गायब होने की शिकायत राजसमंद के केलवाड़ा थाने में 5 जनवरी को दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनकी बेटी 4 जनवरी को घर से बाहर गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। 10 जनवरी को जब लड़की मिली तो पूछताछ में उसने गैंगरेप की जानकारी दी। आरोपियों में रोडवेज बस का एक ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल है। मंगलवार 17 जनवरी को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।